हेलो दोस्तों, तुहाडा स्वागत है सुखीजा ट्यूशन्स। अज अपनी पॉलिटी की क्लास है जिदे च आप अज करांगे सिटीजनशिप। तो लास्ट क्लास आप करंट अफेयर की थी, ठीक है। तो लास्ट आप पॉलिटी की क्लास किया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हम आप देख लें सिटीजनशिप हुंदा की है। सिटीजनशिप हुंदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें आप पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे पार्ट सैकेंड चो आर्टिकल 5 to 11 चो लिया है, ठीक है। केड़े आर्टिकल चो आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट केड़ा है पार्ट सैकेंड, ठीक है। हुन सिटीजन हुंदा की है, नागरिक हुंदा की है। अ परसन हु इंजॉयज फुल मैंबरशिप ऑफ द कम्यूनिटी इन विच ही लिवस, कि एक इंसान एक ऐसा इंसान जिदे को पूरी मैंबरशिप होवे कम्यूनिटी की, कि जिथे रह रहा होवे। मतलब जिमें हूँ अपने को पूरी आपकी सिटीजनशिप है, अपने को फुल मैंबरशिप है, आप जिथे भी रह रहे हैं, आप जिहड़ी भी कम्यूनिटी रह रहे हैं। हूँ अपना की है, अपना दिल करता आप सौंदे हाँ, उठते हाँ, खाते हाँ, पीते हाँ, अपनी मर्जी है ना, नचते हाँ, टपते हाँ, जो भी, क्योंकि अपने को फुल सिटीजनशिप है, ठीक है। कि अ परसन हु इंजॉय फुल मैंबरशिप ऑफ द कम्यूनिटी इन विच ही लिवस, कि एक इंसान जिदे को पूरी मैंबरशिप है कुछ भी करन दी, बट लीगल कुछ भी करन दा मतलब यह है कि लीगल। हुन तुसी बंदा मारे हो जाके तुसी एवें कह दो हाँ भाई साडे कोल तां सिटीजनशिप है, बट वह चीज़ लीगल नहीं है ना। लीगल इन द सेंस खाना पीना उठना करना रिलीजन नूं मनना है कुछ भी, और कि एक सिटीजन है और तुहाडे कोल की है सिटीजनशिप है, ठीक है। इंडिया दे कोल की हुंदा है सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया कोल, और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब की है कि इंडिया कोल कोई भी नो स्टेट सिटीजनशिप, कि कोई भी स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिमें हूँ आप पंजाब च रहने है ना, आप ये थोड़ी कहेंगे कि अपने को पंजाब की सिटीजनशिप भी है, नहीं, अपने को सिर्फ की है आपकी कंट्री की सिटीजनशिप है। हम जिमें कोई हरियाणा रहा, हिमाचल प्रदेश रहा, मध्य प्रदेश रहा, यूपी रहा है, कि उन्हों को सिटीजन स्टेट सिटीजनशिप है, नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ इंडिया को की है सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है जिहड़ी की है कंट्री सिटीजनशिप है। अपनी इंडिया की किसी भी स्टेट को सिटीजन स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। पहला की सी कि आर्टिकल 370 के अंडर कि जम्मू कश्मीर को आपकी स्टेट सिटीजनशिप सी, पर हुण की है यूटी बन गया, हुण उन्हों को भी सिंगल सिटीजनशिप ही है, उन्हों को भी कंट्री सिटीजनशिप है, उन्हों को स्टेट सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। हुण अगे कि आप देखेंगे कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कि आप सिटीजनशिप इंडिया किवें लै सकते हैं। फर्स्ट आप लै सकते हैं बाय बर्थ, कि बर्थ तो आप सिटीजन किवें लै सकते हैं बाय बर्थ, कि जो अपना बर्थ होया, ठीक है, जो अपना बर्थ इंडिया च होया तो आप इंडियन सिटीजनशिप ही है अपने को, ठीक है। दूजी की है बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब की है कि तुहाडा अगर मेरा बर्थ है मेरा बाहर होया है, मतलब फॉरन च अब्रॉड च मेरा बर्थ होया, ठीक है, पर जेडे मेरे फादर ने उन्हों का बर्थ कितने होया इंडिया च है, उन्हों का बर्थ इंडिया च होया, ऑब्वियस जी गल है वो इंडियन सिटीजन ने, ठीक है, बट मेरा बर्थ बाहर होया, मेरे फादर का बर्थ तो इंडिया के विच ही है, उन्होंने की आप कह दें बाय डिसेंट, कि अपने को बाय डिसेंट भी इंडियन सिटीजनशिप है। तीजी की है बाय रजिस्ट्रेशन, कि अपना बर्थ होया आपां नाल दी नाल रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपां इंडिया दे की आ सिटीजन आ, ठीक है। फोर्थ की है बाय नैचुरलाइजेशन, कि आपां इंडिया च रह रहे हैं पिछले कुछ 13-14 सालों तो, ते आपां कुछ वधिया कर रहे हैं, वधिया करना इन द सेंस कि आपां ओलंपिक्स च मैडल लैके आ रहे हैं, नैशनल लैवल ते सिंगिंग डांसिंग कुछ भी वधिया कर रहे हैं, तो आपां नूं बाय नैचुरलाइजेशन दे तहत अपने कोल की होएगी इंडियन सिटीजनशिप होवेगी, ठीक है। फिफ्थ की है बाय इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब की है जिमें हुण भूटान है, भूटान का अपने को कब्जा है, तो हिसाब से अपने को होएगी बाय इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी के तहत भी अपने को होएगी इंडियन सिटीजनशिप होगी। किवें लै सकते आप इंडियन सिटीजनशिप, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नैचुरलाइजेशन, और फिफ्थ की है इनकॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। समझ लगी सिटीजनशिप की हुंदा है, सिटीजनशिप की हुंदी है नागरिकता हुंदी है, कल्ला सिटीजन की हुंदा है नागरिक की हुंदा है, कि अ परसन हु इंजॉयज फुल मैंबरशिप ऑफ द कम्यूनिटी इन विच ही लिवस,
कि एक अजिहा इंसान जिहदे कोल पूरी मैंबरशिप है कि कुछ भी करन इन द सेंस लीगली नॉट इलीगली, ठीक है, उठना बैठना जो भी करना। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैकेंड पार्ट च कि आर्टिकल के अंडर है 5-11, ठीक है। हुण अगे आपां सिटीजनशिप दे एमसीक्यूज करांगे। जदों आपां सिटीजनशिप दे एमसीक्यूज कर ले उस तो बाद आपां की करांगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अज की क्लास आपां दो टॉपिक कवर करांगे, सिटीजनशिप ते शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हुण फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल की है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5-11 डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स। और यदि राइट ऑप्शन अपने कुल की है, यदि राइट ऑप्शन अपने कुल की है सिटीजनशिप, कि जेडे आर्टिकल ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे आर्टिकल 5-11 वो कि डील करते हैं सिटीजनशिप दे नाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोविंग्स आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, कि इन्हों चो केड़ी है कि जिहड़ी आपां नूं इंडियन सिटीजनशिप जदों आपां नूं इंडिया च किवें लै सकदे आ, बर्थ एंड डिसेंट, बर्थ एंड नैचुरलाइजेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डिसेंट, और डी ऑप्शन है बर्थ डिसेंट नैचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और यदि राइट ऑप्शन अपने कोल की है डी ऑप्शन है बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन। आपां हुणे उपर पढ़िया कि आपां किवें लै सकदे आ, by birth, by descent, by registration, by naturalization or by incorporation of territory, ठीक है। तो करके यदि राइट ऑप्शन की है डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप एक्ट, कि केड़े साल च पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया सी, 1950, 1952, 1955 या 1960। और यदि राइट ऑप्शन की है 1955, की पार्लियामेंट ने 1955 दे विच सिटीजनशिप एक्ट की सी जेड़ा पास किया सी, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम, की सिंगल सिटीजनशिप कितों लई है, यूएसए तो, यूके तो, ऑस्ट्रेलिया तो या जापान तो। और यदि राइट ऑप्शन अपने कोल की है यूके, कि आपा सिंगल सिटीजनशिप कितों लईए, यूके तो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कमेटी गेव द आइडिया ऑफ जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपा ये देख लेने कि जस्ट सोली हुंदा की है। जस्ट सोली दो पार्ट्स च डिवाइड है, एक बाय सोइल और एक बाय ब्लड। हुण जे आपा जस्ट सोली की गल करदे पिया, जस्ट सोली का मतलब की है कि अपना बर्थ बाय सोइल, सोइल मतलब जिहड़ी धरती ते अपना जन्म होया है ओनू की कहांगे आपां बाय सोली। एक हुंदा है बाय ब्लड, बाय ब्लड की हुंदा है वंश दे तौर ते। सिटीजनशिप च दो तरह दे ने, की ने बाय सोइल और बाय ब्लड। एक जिवें हुण मेरा जिवें बर्थ होया ही इत्थे है, की हो गया बाय सोली, की यह जिहड़ी धरती ते अपना जन्म होया है। बाय ब्लड की हो गया कि मैं हुण फॉरन च रह रही हाँ, बट मेरे फादर का बर्थ की होया है इंडिया दे विच होया है, ता कि हो गया वो बाय ब्लड मतलब वंश दे तौर ते, ठीक है। एक केड़ी कमेटी तो आपां लिया है, फर्स्ट ऑप्शन है कंस्टिट्यूएंट असैम्बली, सैकेंड मोतीलाल नेहरू असैम्बली, थर्ड अटल कमेटी और फोर्थ की है नन ऑफ द अबव। और यदि राइट ऑप्शन अपने कोल की है मोतीलाल नेहरू कमेटी, तो आपां की आइडिया लिया है जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप दा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने को, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इनक्लूडिड, कि केड़ी लिस्ट दे विच इंडियन सिटीजनशिप दा जेड़ा पार्ट है इनक्लूडिड है। तीन तरह दे लिस्ट हुंदियां ने अपने को, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हुण केड़ी लिस्ट इनक्लूडिड है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। और यदि राइट ऑप्शन अपने कोल की है यूनियन लिस्ट, कि यूनियन लिस्ट दे विच की है सिटीजनशिप इनक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है अपने कोल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू परसन माइग्रेटेड टू इंडियन फ्रॉम पाकिस्तान, कि केड़े आर्टिकल दे विच कॉन्स्टिट्यूशन की जेड़ा प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप है कि पर्सन माइग्रेटेड टू इंडियन फ्रॉम पाकिस्तान
इंडिया तो पाकिस्तान का जो पर्सन है माइग्रेटेड सिटीजनशिप है वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8। और यदि राइट ऑप्शन अपने को की है आर्टिकल 6, बी ऑप्शन की है राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने को 8th क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कदों पास होया सी, 2020, 2018, 2019 या 2017। और यदि राइट ऑप्शन अपने को की है 2019, कि 2019 दे विच सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होया सी किथे, पार्लियामेंट दे विच। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। फर्स्ट ऑप्शन 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स। और यदि राइट ऑप्शन अपने को किया है, यदि राइट ऑप्शन अपने को किया 7 ईयर्स, कि जेड़ा इंडिया ओरिजिन द पर्सन है उन्होंने रिसाइड होंदा है कि इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन का सिटीजन बनन च कि सिटीजन किन्ने सालों के 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स। और यदि राइट ऑप्शन की है 7 ईयर्स, कि सिटीजनशिप एक्ट के अंडर, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इज करेक्ट, कि ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁਰੈਕਟ ਹੈ, ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਹੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। सैकेंड ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, फिर उही गल कि इंडिया दे विच स्टेट दी सिंगल सिटीजनशिप है ही नहीं, कि सिर्फ स्टेट दी सिटीजनशिप है ही नहीं। थर्ड है सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया, कि इंडिया दे विच की है सिंगल सिटीजनशिप है, कि कंट्री दी सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही होगी अपने को राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन की है ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री, ना जे आप इंडिया च रह रहे हैं तो अपने को सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है अपने को, हु कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि इन्हां विचों कौन ओसीआई कार्ड की रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजिडेंट, सैकेंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फोर्थ की है सेंटर गवर्नमेंट। और यदि राइट ऑप्शन अपने को की है डी सेंटर गवर्नमेंट, कि जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट है ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड की रजिस्ट्रेशन की है कैंसल कर सकती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, सिटीजनशिप इज मैंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और यदि राइट ऑप्शन अपने को की है पार्ट 2, कि पार्ट 2 दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सिटीजनशिप की है मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, सिटीजनशिप इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि केड़े आर्टिकल दे विच सिटीजनशिप मेंशन है, आर्टिकल 5-11, आर्टिकल 12-35, आर्टिकल 50-57, आर्टिकल 36-48। और यदि राइट ऑप्शन आपने कुल की आर्टिकल 5-11, कि आर्टिकल 5-11 दे विच की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सिटीजनशिप की है मेंशनड है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कुल 14th क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, ऑब्जर्विंग एनी पार्ट ऑफ लैंड या डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स, की दे थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं लै सकते। ओबियस जी गल है, बर्थ तो आप लै सकते हैं, नैचुरलाइजेशन तो भी आप लै सकते हैं, ऑब्जर्विंग एनी पार्ट ऑफ लैंड या डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स। आप किसी भी इंडिया बैंक च मनी डिपॉजिट करके आपकी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप नहीं लै सकते, ता करके आप इन्हों
ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਮਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਟੀਨਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰਟੀਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੋਰ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਡਿਸੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਏ ਬਰਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਏ ਬਰਥ 'ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਬਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੋਰ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 16th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿਦ ਅ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਆਰਟੀਕਲ 16 ਆਰਟੀਕਲ 17 ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 17th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਦ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਨੋਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੰਡਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2019 ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਅੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 18th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਜ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਈ 1949 1950 1951 ਔਰ 1952 ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1951 ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1951 ਕਿ 1951 ਈਅਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਹੁਣ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੇਬਲਸ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਨੋਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੇਬਲਸ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੋਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਇਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ 10 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 10 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 10 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਟਰ ਵੈਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਡੋਪਟਿਡ ਇਨ 1949 ਇਟ ਕੰਸਿਸਟਿਡ 8 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੋਟਲ ਆਫ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਟੋਟਲ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ
पहला सी कि जदों आपां फस्ट जिहड़ा शेड्यूल मैनशन किया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच उदों 10 शेड्यूल सी, फिर जदों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपां अडॉप्ट किया 1949 दे विच उदों 8 शेड्यूल सी, फिर की है जदों आपां हुण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अमेंडमेंट्स कीतियां ने तां हुण आपणे कोल टोटल किन्ने ने 12 शेड्यूल्स ने। ठीक है, मैं करवाण नूं तुहानूं शेड्यूल्स दे एमसीक्यूज भी करवा सकती सी, बट नहीं, जिहड़ी चीज़ दा तुहानूं बेनीफिट नहीं है उह चीज़ करवाण दा फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं तुहानूं सीधा शेड्यूल्स दे एमसीक्यूज करा लैंदी तां तुहानूं इन्नी डिटेल नाल समझ नहीं आना सी। उहदे च की सी, सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट समझ आउणी सी, एक ऑप्शन ही सही होनी सी, बाकी तुहानूं उस शेड्यूल बारे पता ही नहीं चलना सी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਸ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਸਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਕਿ ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ, ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲੋਅੰਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਜਾਂ ਇਮੋਲਮੈਂਟਸ ਆਫ। ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਅੰਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਮੋਲਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਲਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਔਰ ਅਲੋਅੰਸ ਬਾਰੇ? ਫਸਟ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਥਰਡ, ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਅੰਸਿਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਜਾਂ ਇਮੋਲਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਲੋਅੰਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਲਮੈਂਟਸ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਥਰਡ, ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਫੋਰਥ, ਕੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਫਿਫਥ, ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ। ਔਰ ਸਿਕਸਥ, ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੋਅੰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ? ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮੋਲਮੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਔਰ ਅਲੋਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲੋਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਓਥ ਐਂਡ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਓਥ ਐਂਡ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਓਥ ਐਂਡ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤਿੰਨ ਸ਼ਡਿਊਲਸ, ਫਸਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਫਸਟ 'ਚ ਉਹ ਨੇਮ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਲੋਅੰਸਿਸ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਐਂਡ ਇਮੋਲਮੈਂਟ ਸੀਗੇ,
ठीक है, और थर्ड की है फॉर्म ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट अपने को फोर्थ शेड्यूल दे विच की है, फोर्थ इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा, कि स्टेट दी राज्यसभा दे विच किन्निया सीट्स ने, किन्निया सीट्स किनू एलोकेट कीतियां गया ने स्टेट्स नू और यूटीज नू। ठीक है, इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल्स की है, इट कंटेन्स प्रोविजन्स इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड की पूछा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन की है एडमिनिस्ट्रेशन नाल, और कंट्रोल की है शेड्यूल एरियाज ते शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स शेड्यूल अपने को की है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन द रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम, कि जेड़ा ट्राइबल एरियाज ने, चार ट्राइबल एरियाज ने असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, और इन्हों का की है प्रोविजन की है प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, सैवन शेड्यूल्स की आ गया, सैवन शेड्यूल्स के विच तीन लिस्ट आ गया, केड़िया केड़िया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ते कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तीन लिस्ट बारे दसिया गया सैवन शेड्यूल्स। एट्थ की आ गया, डील्स विथ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कि एट्थ शेड्यूल्स डील करता है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे विच, केड़िया केड़िया 22 लैंग्वेजेस ने अपने को ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने, असामीस, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कनाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। केड़िया बाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने, असामीस, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कनाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। ठीक है, ये अपने को बाई की ने ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने। और कॉन्स्टिट्यूशंस केड़िया ने इंक्लूडेड ने, सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। थर्ड की है, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली वर एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 विच केम इनटू फोर्स इन 2004। की 14 लैंग्वेज इंक्लूड ने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, सिंधी लैंग्वेज कदों ऐड हुई सी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 दे तहत, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुई सी 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली वर एडेड बाय कदों एडेड हुई सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 चो ऐड हुई सी, बट वो कदों फोर्स आई सी 2004 दे विच। ठीक है, उस तो बाद नाइन्थ शेड्यूल च अपने को लिखी है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, टेंथ शेड्यूल की आ गया अपने को, इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, की प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्रुप ऑफ डिफेक्शन। सेकेंड की है, दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये शेड्यूल कदों ऐड होया सी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 दे, और जिन्हों की किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट 11th शेड्यूल अपने को की है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पंचायत। 11th शेड्यूल किदे नाल डील करता है, पंचायत दे नाल। ठीक है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पंचायत, इट हैज़ 29 मैटर्स। ठीक है, दिस शेड्यूल इज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। केड़े शेड्यूल एक कदों ऐड होया सी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट दे विच, और जेड़ा आर्टिकल 10 सी वो कदों ऐड होया सी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 जिन्हों एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता सी।
और 11th शेड्यूल कदों ऐड होया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और उसके बाद लास्ट शेड्यूल है अपना और क्लास का लास्ट शेड्यूल है 12th शेड्यूल पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज की अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स की दिया म्यूनसिपैलिटीज दिया। 11th शेड्यूल आप पंचायत ना डील करता है ठीक है और 12th कि डील करता है म्यूनसिपैलिटीज ना। और इस शेड्यूल कदों ऐड होया से 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। याद रखियो कि जरा 10th शेड्यूल है वो कदों अपने अपने शेड्यूल ऐड होया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 दे विच जिन एंटी डिफेक्शन लॉ भी कह देंदे ने। और 11th शेड्यूल कदों अपने ऐड होया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और जरा 12th शेड्यूल है वो कदों ऐड होया 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, अगर किसी नूं कोई भी किसी भी क्वेश्चन तो डाउट होवे सिटीजनशिप या 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडिया दे विच आ कमेंट्स च दस दियो या टैलीग्राम ग्रुप दे विच या व्हाट्सएप दा जिहड़ा एक तुहाडा जीके दा ग्रुप है उहदे च दस दियो। ठीक है, थैंक यू।